नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत हैं समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर से खबर है, प्रखंड अंतर्गत सिंदुरिया पंचायत के ललकी दामर निवासी अधीनता देवी पूरे परिवार सहित निजी जमीन में रानी देवी द्वारा जबरन पीएम आवास निर्माण कराने के विरोध में आज अंचल सह प्रखंड मुख्यालय के समक्ष दूसरे दिन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। धरने के दूसरे दिन भवनाथपुर प्रखंड प्रमुख शोभा देवी एवं वीडियो जयपाल महतो ने जायजा लिया और समझाने का प्रयास किया। तत्पश्चात सत्याग्रह भूख हड़ताल के दूसरे दिन वीडियो जयपाल महतो के लिखित आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन सत्याग्रह भूख हड़ताल समाप्त कराने की बात कही गई। जानकारी देते हुए वीडियो ने बताया कि अधीनता देवी द्वारा दिए गए ज्ञापन के आलोक में विवादित भूमि पर संपूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने तक रानी देवी के प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और साथ ही दोनों पक्षों को पूर्णवासी भूमि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का एक माह का समय दिया गया। इस बीच किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से धरना प्रदर्शन करने पर आपके विरोध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इनको आश्वासन दिया गया है कि एक विवादित जमीन है, इनमें इनका दावा है जो रानी देवी घर बना रही है पर पीएम आवास, उनमें इनका कहना है कि ये हमारा जमीन है। लेकिन हमारा जमीन मतलब सेल से इनको पुनर्वास के रूप में 10 डिसमिल जमीन दिया गया है, इनका कहना है। लेकिन इनके पास उसका जो पुनर्वासित पर्चा है ये अभी है नहीं, जिसके कारण ये पूरा विवाद है। तो इनको एक महीना का समय दिया गया है कि एक महीना में आप लोग पुनर्वासित पर्चा उसके जो हेड ऑफिस है वहाँ से आप प्राप्त करें। इस संबंध में अंचल अधिकारी के द्वारा पत्र भी निर्गत कर दिया गया है और एक महीना में एक या उससे पहले भी एक संपूर्ण जांच, हम लोग सारा डॉक्यूमेंट अंचल अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं और एक संपूर्ण जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि विवादित जमीन पर किसका हक है। सर, पत्र तो दोनों पार्टी को जारी किया गया होगा? हाँ, दोनों पत्र को दिया हुआ है। रानी देवी को जाँच संपूर्ण होने तक किसी प्रकार का कार्य न करने का पत्र निर्गत किया है। और दस्तावेज तो उनसे भी मांगा जाएगा ना सर, कि उनका दस्तावेज देखा गया? दस्तावेज दोनों से मांगा जाएगा। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चीनिया रोड, नाहर चौक, कड़वा। यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चे दानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।